नमस्कार, विराट 24 न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रियंका। सुप्रीम कोर्ट द्वारा पंचायती राज चुनाव में ओबीसी आरक्षण को समाप्त कर दिया गया है। जानकारी मिलते ही संगठन के लोगों ने विरोध शुरू कर दिया है। सोमवार को ओबीसी महासभा के पदाधिकारियों ने रैली निकालकर मुख्यमंत्री के नाम कलेक्टर को एक ज्ञापन सौंपा है। पदाधिकारियों ने पिछड़ा वर्ग को 51% आरक्षण, अनुसूचित जाति को 8% आरक्षण के विरुद्ध उनकी जनसंख्या के अनुसार 16% आरक्षण दिए जाने के लिए, अनुसूचित जनजाति को 14% आरक्षण के विरुद्ध उनकी जनसंख्या के अनुसार 20% आरक्षण की मांग की है। आंदोलनकारियों ने कहा है कि 7 दिन के अंदर अगर कार्यवाही नहीं की गई तो ओबीसी महासभा संपूर्ण मध्य प्रदेश में उग्र आंदोलन करेगा, जिसकी जिम्मेदारी स्वयं शासन प्रशासन की होगी। आइए सुनते हैं पदाधिकारियों का क्या कहना है। ओबीसी एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। देखिए, ये ज्ञापन हम अभी सांकेतिक रूप से सौंपने आए हैं और हमने इसकी विधिवत कार्य योजना तैयार की है और हमने सरकार से मांग रखी है कि अगर हमारे ज्ञापन के बाद 24 घंटे के अंदर अगर सरकार इस पर निराकरण नहीं करती है तो ओबीसी महासभा ने 9 वर्ष की शुरुआत में दिनांक 2 जनवरी को मुख्यमंत्री का घेराव करने का निर्णय लिया है और मुख्यमंत्री आवास को तभी छोड़ा जाएगा जब हमारा ये जो त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में ओबीसी का 27% आरक्षण बहाल होगा। ये सरकार हमारे ऊपर प्रयोग पर प्रयोग कर रही है। ये ओबीसी आरक्षण को खत्म करने का उसी तरह का प्रयोग है। देखिए, देश के अंदर जब कार्यपालिका व्यवस्थापिका निरंकुश हो तो न्यायपालिका स्वतंत्र हो जाती है। जिस प्रकार मध्य प्रदेश के चुनाव की याचिका लगी थी सुप्रीम कोर्ट पर और माननीय सुप्रीम कोर्ट ने लाइन से हटकर ओबीसी आरक्षण को समाप्त करने का जो आदेश दिया वो असंवैधानिक। और मैं तो ये कहना चाहता हूँ देश की कार्यपालिका को कि आपने जिस प्रकार से अधिकार ओबीसी के अधिकारों को छीन करने का काम किया और सर्वोच्च न्यायालय में अपना पक्ष रखने का काम आपने नहीं किया, इसलिए सर्वोच्च न्यायालय ने ओबीसी आरक्षण पर हंटर चलाने की कोशिश की। लेकिन ये ओबीसी के लोग इतने अक्षम नहीं हैं, इतने कमजोर नहीं हैं। हाँ, शांत रहते हैं, इसलिए इनके शांत रहने को इनकी कमजोरी ना समझा जाए। मैं देश के ओबीसी के लोगों से अपील करना चाहता हूँ कि जिस तरह से आपके अधिकारों की छेड़खानी माननीय सर्वोच्च न्यायालय का सहारा लेकर ये बीजेपी और आरएसएस के लोगों ने लिया है, डटकर मुकाबला कीजिए, आगे आइए और संविधान को बचाइए, ओबीसी को बचाइए। ओबीसी जिंदा रहेगा तभी समाज जिंदा रहेगा। जय हिंद। सुप्रीम कोर्ट द्वारा खासकर ओबीसी, जिसकी हर दूसरा व्यक्ति देश में ओबीसी आता है, लेकिन जिस प्रकार आधी आबादी को चुनाव से, जो हमारा मौलिक अधिकार, उससे वंचित किया जा रहा है, इसके लिए हम आज, हमारा जो ओबीसी संगठन है 19 राज्यों में लगातार दे रहा है। आज उसकी तो मध्य प्रदेश में हम लोग जिस प्रकार पूरे प्रदेश में कर रहे हैं, उस रीवा में कर रहे हैं। और ये हमारे ख्याल से ये दूसरी आज़ादी की लड़ाई नहीं हो, जिस प्रकार अभी किसान आंदोलन हुआ है, आज हम लोग बड़े पैमाने पर एक संयुक्त ओबीसी का संगठन बनाया जा रहा है और हम लोग आज ज्ञापन के माध्यम से रीवा ज्ञापन सौंप रहे हैं और इसके बाद एक बड़ा आंदोलन करेंगे जो 2 तारीख के भोपाल को जानकर मुख्यमंत्री को घेराव करेंगे। इसलिए आज ज्ञापन के माध्यम से आज सचेत करना चाहते हैं कि आप अगर हमारा जो चुनावी जो है उसको बहाल नहीं करेंगे तो हम लोग ज्ञापन सौंपने का मुख्य उद्देश्य क्या है? है ये कि हमारा जो 27% रिलेशन था पंचायत के चुनाव, उसको बहाल किया जाए। एक तो पिछड़ा का मुख्यमंत्री है यहाँ का, खासकर शिवराज सिंह और नरेंद्र मोदी, ये निश्चित ही बहुत बड़ी साजिश है और इसके लिए हम लोग व्यापक पैमाने पर लड़ाई का आगाज करेंगे। और अगर जब तक ही हमारा लोग का 27% लागू होगा, जैसा कि अभी सुप्रीम कोर्ट का एक आदेश आया है, जो ओबीसी का आरक्षण था उसको त्रिस्तरीय पंचायत में ख़त्म कर दिया गया है। ये देश के लिए काला कानून है और हम ओबीसी के लोग, जिनकी संख्या 52 से 60% हमारे इस देश में है, इसका पुरजोर विरोध करते हैं। और आने वाले समय में यदि हमारी इन मांगों को नहीं माना गया तो हम इसका सड़कों पर उतर करके और विरोध करेंगे। तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहें विराट 24 न्यूज़। धन्यवाद। खुल गया, खुल गया, खुल गया। आपके शहर में सर्व सुविधा युक्त स्काई रेस्टोरेंट खुल गया। वेज नॉन वेज भोजन का लुत्फ उठाने के लिए अवश्य पधारें। हमारे यहाँ स्काई स्पेशल थाली के साथ जन्मदिन, तिलक,
एंगेजमेंट रिसेप्शन के लिए हॉल उपलब्ध है। ऑनलाइन ऑर्डर के लिए संपर्क करें 9039033661 पर। पता याद रखें, स्काई रेस्टोरेंट, विश्वविद्यालय रोड, लोटस टावर, खुटे ही, रीवा।